तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए होंगे, तो कृपया करके यह वीडियो देखकर आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड में घर बैठे लिंक कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल मोबाइल से भी कर सकते हैं, और अपना कोई लैपटॉप वगैरह हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है पैन टू आधार। इस तरह से टाइप करेंगे और सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप इस वाले पेज पर चले आएंगे और यहाँ आने के बाद आपको पहला जी यहाँ पर एक लिंक दिखा रहा है, यहाँ पर पैन आधार लिंकिंग चेक स्टेटस। तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पेज इस तरह से ओपन होने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। इस वाले इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, और रीड करने के बाद यहाँ पर पहला वाला लिंक जो दिया गया है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लिंक करने का ये जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जैसे ही सर्वर आपका सही चलेगा आपको जल्द से जल्द ओपन हो जाएगा। आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से इस वाले लिंक पर आप डायरेक्ट चले आएँगे। यहाँ पर आने के बाद आपको पहला क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद जो आधार कार्ड पर जो नाम है उसको यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार। अगर आपके आधार कार्ड में जैसे कि आपको डेट और मंथ और साथ में ईयर रहता है, अगर वो नहीं है तो केवल ये वाला पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका आधार कार्ड में सभी डिटेल सही है तो ये वाला पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना होगा। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर एक आधार लिंक का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर देता हूँ, इसके बाद आगे का डिटेल शो कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में आपको किस तरह से फिलअप करना है यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पर सारा डिटेल डाल चुका हूँ, इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स इस पर क्लिक कर लेना है दोनों पर, और क्लिक करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक OTP आएगा। OTP का आपको वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस शो कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे ही होंगे कि मैं यहाँ पर अपना OTP डाल चुका हूँ। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करूँगा। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP यहाँ पर फिर से मुझे डालना, सही से मेरा गलत हो चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि OTP मेरा यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर OTP वेरीफाई कर चुका हूँ। OTP वेरीफाई करने का आपको इस तरह से पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है अपना पैन कार्ड को कि आधार कार्ड से लिंक हुआ है अथवा नहीं। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करो तो आपको पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट वाला पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना फिर से दोबारा से यहाँ पर डाल चुका हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर व्यू लिंक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपका अगर गलत होगा आधार कार्ड में और पैन कार्ड में दोनों में डेट ऑफ बर्थ, तो आपको इस तरह से शो करने के लिए आ जाएगा। तो आपको पहले क्या करना होगा, सुधार कराना होगा आधार कार्ड का या तो पैन कार्ड का, कोई एक यहाँ पर दोनों में से कोई एक सुधार कराना होगा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर इनका लिंक हो चुका है, लेकिन इनका इस तरह से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों में इनका आधार कार्ड में और पैन कार्ड में दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो वहाँ पर पहला ऑप्शन में आता है वहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ में, अगर होगा सेम तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं होगा सेम तो वहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। जो वहाँ पर दो चेकबॉक्स दिया रहता है वहाँ पर आप ध्यान देंगे। अगर दोनों में डेट ऑफ बर्थ सही होगा तो दोनों पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं सही होगा तो आप एक पर केवल टिक लगाएंगे। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आप इस तरह से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।